जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देखने रहे हैं प्रैक्टिस सेट के बारे में। जैसे कि मान लीजिए, अब आपको मुझे बताना नहीं है, आपको आपको एक बिल दिया गया है, सबके पास होगा वो बिल, और इसके यहाँ पे आपको आज काम करना है, ठीक है। जिनके पास नहीं होगा, बगल वाले से फोटो ले लेंगे फोन में और आराम से देखेंगे, दो चार पन्ने हैं इनका फोटो ले लेंगे, काम चल जाएगा, है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं, आपको एक मिला हुआ है टैक्स इनवाइस। ये कौन दिया है? टैक्स इनवाइस क्या होता है, मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों को। दो टाइप के इनवाइसेस होते हैं, कितने टाइप के इनवाइस होते हैं? दो टाइप के, एक होता है टैक्स इनवाइस। क्यों चल नहीं रहा ये? एक होता है टैक्स इनवाइस और एक होता है बिल ऑफ, ठीक है, ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाई जो भी है। तो मैंने बताया था दो टाइप के इनवाइसेस होते हैं। आप कस्टमर कितने टाइप के होते हैं? कस्टमर भी दो टाइप के, रेगुलर और कंपोजिशन। रेगुलर और दो टाइप का सामान, सामान भी आप दो ही टाइप का बेच सकते हैं। एक तो टैक्सेबल चीज बेच सकते हैं और एक एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है? बिना टैक्स वाली चीजें। पता नहीं क्यों वहां चल ही नहीं रहा कभी। तो अगर रेगुलर डीलर ऐसा सामान बेच रहा है जिस पर टैक्स लगा हो, तो क्या इशू करता है? टैक्स इनवाइस, यानी टैक्स इनवाइस इशू करता है। और बिना टैक्स वाली चीजें बेचेगा तो क्या इशू करेगा? बिल ऑफ सप्लाई। और कंपोजिशन डीलर चाहे टैक्सेबल चीज बेचे या बिना टैक्स वाली बेचे, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? बिल ऑफ सप्लाई। समझ में आ गई बात ना? यहाँ क्या लिखा है? टैक्स इनवाइस लिखा है। कैसे पहचानेंगे कि क्या है? सबसे पहले देखिए, पार्टी डीलर आपके कंपनी का नाम लिखा है, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब आप कस्टमर हैं और जो कंप्यूटर एम्पायर है आपका सप्लायर है। मतलब ये आपके सप्लायर ने आपको रिसिप्ट भेजा हुआ है और आपने परचेस किया हुआ है। आपने क्या किया हुआ है? तो आपका जो कस्टमर है वो कहाँ दिखाएगा? सेल्स में दिखाएगा। और आप कहाँ दिखाएंगे? परचेज में दिखाएंगे। तो उसने सेल्स में करके इसका प्रिंट आउट मुझे दे दिया है, और इसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे? परचेज वाउचर में करेंगे। कहाँ करेंगे? पहचानना होता है कहाँ एंट्री होगी, सेल्स में परचेज होगा। इसमें इस तरह बिल रहेगा, पहचानना पड़ेगा आपको। तो आप ये बिलिंग प्रिंट नहीं करेंगे, कब करेंगे? जब आप सेल करेंगे तब। और आपको आप किसी से परचेज किए, मतलब वो सेल किया है, उसने आपको बिल भेजा है, वही बिल की एंट्री कर लेंगे। तो ये काम करें, जो पुरानी कंपनी उसे भी काम कर लीजिएगा, या फिर नया गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बना लीजिएगा, आपकी मर्जी। तो मैंने पुरानी कंपनी पे काम करने जा रहा हूँ, बहुत आसान सा तरीका है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कह रहा हूँ, फाइल में कह रहा है कि फोटो ले लीजिए, आइए। हाँ आइए, फोटो ले लीजिए इससे। हाँ अब देखिए, यहाँ पे तो पार्टी का नाम क्या है? कंप्यूटर एम्पायर है। आपने उसे परचेज किया हुआ है और क्या खरीदा हुआ है? डेल वायरलेस कम्बो कीबोर्ड है 117। तो ये कीबोर्ड खरीद लिया जाए, उसके लिए कहाँ जाएंगे आप? वाउचर पे। कहाँ जाएंगे? वाउचर पे और परचेज वाउचर पे, F9 से परचेज वाउचर। इनवाइस नंबर क्या दिया हुआ है? 756। क्या दिया है? पार्टी का नाम कंप्यूटर एम्पायर। अच्छा, पर्ची लोकल का इंटरेस्ट रेट होगा जब अपने ही साइट का है तो। लोकल आइटम का नाम है लेनोवो, लेनोवो 100 वायरलेस कीबोर्ड है। 100 नहीं है तो या तो बना लीजिएगा आप लोग लेनोवो का, कि बना ही लिया जाए। चलिए बना ले रहे हैं। और सी टेल है, टेल वायरलेस कम्बो, और कीबोर्ड लिखा हुआ है KM 117, जो भी मॉडल नंबर होगा। और अंडरकोट क्या होगा? कीबोर्ड होगा, कीबोर्ड वाले जीएसटी लगा हुआ है, चेक कर लीजिएगा आप लोग। और कंट्रोल इंटर से यहाँ यस करके चेक कर लेंगे कि लगा हुआ है, कहीं लगा हुआ है, पहले का बनाया आप लोग, 18% हो गई है। और यहाँ क्या ले लिए? डेल कंपनी हो गई, और यहाँ PCS कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर लिया। लोकेशन क्या दिया हुआ है? कुछ दिया नहीं है, शॉप ले लीजिए। क्वांटिटी कितनी है? एक पीस है। और रेट कितना है? देखिए रेट दिया है 159.32, और क्या लगा देंगे? और GST, और देखिए तो मैच कर गया, 12.50, 95, 34, 95, 34 मैच कर गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन करना है, मुझे एक ही दो क्वेश्चन बताना था, मैं बता दिया, और भी क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप करते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन तो हो जाएगा, मैं बताऊंगा नहीं।
देखिए दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा, जितने भी आइटम का नाम दिए हुए सब बनाना पड़ेगा। जैसे दिया हुआ तीसरा वाले पे टी 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 3 टी 20 लीटर, क्या है? पेंट है। सबका अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा? पेंट हो जाएगा। सबका अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा? पेंट हो जाएगा। क्यों हंस रहे हैं आप? तो भी हंसती है क्या आपकी बहन भी? अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा? पेंट हो जाएगा। और HSN नंबर दिया हुआ है, हाँ HSN नंबर दिया हुआ है, और GST का रेट भी दिया हुआ है। देखिएगा सबका HSN नंबर अलग अलग है, तो एक काम करिएगा, तो पेंट में भी क्वालिटी है, व्हाइट पेंट इस तरह बनाइएगा, व्हाइट पेंट, रेड पेंट, ब्लू पेंट इस टाइप का बनाइएगा, तभी तो HSN नंबर अलग डाल पाएंगे, क्योंकि पेंट बनाएंगे तो HSN नंबर तो एक ही हो जाएगा ना। तो बना लीजिएगा ऐसे करके, अंडर ग्रुप कैसे एक ही होगा, व्हाइट पेंट ब्लू पेंट इस तरह बनाइएगा, ठीक है? केवल पेंट बना लीजिएगा, देखिए जितने भी पेंट है पेंट का एक ही हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अगला देखिएगा, जलान वाला दिया हुआ है, तो जलान वाला जो 6 नंबर ट्रांजिशन है, 6 ट्रांजिशन जो देखिए जलान करके दिया हुआ, जलान जलान में क्या दिया हुआ है? ये आइटम का नाम है कॉम्पैक्ट 18.5 LED मॉनिटर, और बाकी नीचे जो दिया हुआ है वो है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ऑन कर लीजिएगा आप लोग, बताया थे तरीका ना? नहीं बताए थे, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और इस ट्रांजिशन को करके करके दिखा दे रहे हैं आपको, देख लीजिएगा 6999, पार्टी का नाम मान लीजिए जलान नहीं, यही मान लेते हैं जो था अभी, लेकिन आप लोग जलान लीजिएगा, जलान बना लीजिएगा। जलान बना लेंगे ना कि बना दें? हम भी जलान बना दें अर्ची जलान, जलन मत पढ़ देना तुम लोग, जलन डिस्ट्रीब्यूटर, जलान डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, चूंकि ये हमारा सप्लायर है इसे संट्री क्रिएटर होगा, क्या होगा? उसके बाद से अपने साइड का ही है, लोकल हो गया, और आइटम का नाम रहेगा अर्ड सी करके बनाएंगे, क्या लिखा है? COM, जिस तरह लिखा जाता है उसी तरह लिखिएगा, कैपिटल में, कैपिटल में 18.5 LED मॉनिटर। अच्छा मॉनिटर है, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? मॉनिटर होगा। यहाँ डिस्क्रिप्शन डालेंगे, डिस्क्रिप्शन में क्या डालेंगे? ये वाला जो लिखा हुआ है, S/YN-CN04 04 है ना, 60, हाँ CR3/TCL/TRC है, TRC/CY4/CR8/THM/D2P/D3T, सारा हो गया इंटर, और अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा? मॉनिटर। और किस कंपनी का है नहीं समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए। लोकेशन शॉप ही ले लिया, क्वांटिटी कितनी है? 8 पीस, और रेट दिया हुआ है 4500। क्या लगा देंगे? CGST कितना आया? अब इसमें डिस्काउंट भी दिया है, 15.254 दिया है ना, तो यहाँ पे इंटर करिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा 15.254 है, 15.254 सही आ गया। हाँ राउंड अप लगा दिया जाए, राउंड अप लगा दीजिए 36,000 का, ठीक है? तो वैसे कर लेंगे आप ना, तो बस इतना ही बताना था मुझे, बाकी आप ही लोग सब बता देंगे, हम तो प्रैक्टिस शीट का मतलब ही क्या हुआ, ठीक है? तो यही करना है आपको, थैंक यू क्लास, और फाइनली आपका टैली खत्म हुआ। अगली क्लास आप कल आना है तो आप लोग आ जाइएगा, लेकिन मंडे से आपका टैली एडवांस स्टार्ट करूंगा, ठीक है? अच्छा दिन है मंडे से, टैली एडवांस, ठीक है? लेकिन कल भी आना है, ठीक है? थैंक यू क्लास, नाम ऐड हो गया।